नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। विश्व धरोहर दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, राज्य संग्रहालय में 25 अप्रैल तक रहेगी ग्वालियर राज्य पर केंद्रित छाया प्रदर्शनी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, बढ़ती गर्मी के मद्देनजर लू से बचे आम नागरिक। लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय प्रेक्षक ने सीहोर जिले में किया निरीक्षण। सिवनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने की निर्वाचन कार्यों की समीक्षा। और रायसेन जिले में मतदाताओं ने जानी ईवीएम से वोट डालने की प्रक्रिया। और अब खबरें विस्तार से। विश्व धरोहर दिवस पर पुरातत्व संग्रहालय द्वारा लोगों से पुरातात्विक धरोहरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ग्वालियर राज्य के पुरातत्वीय महत्व पर केंद्रित छायाचित्र प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता और व्याख्यान आदि कार्यक्रम हुए। ग्वालियर राज्य के ग्लास निगेटिव से तैयार छायाचित्रों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी 25 अप्रैल तक दर्शकों के लिए निःशुल्क रहेगी। चित्रकला प्रतियोगिता में 125 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति एवं आयुक्त संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय श्री पंकज राग भी उपस्थित थे। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर लू से बचाव के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आम नागरिकों को आवश्यक सुझाव दिए हैं। इसके लिए विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के अनुसार आमजन को धूप और गर्मी से बचने को कहा गया है। घर के अंदर हवादार ठंडे स्थान पर रहें, सफेद एवं हल्के रंग के पतले वस्त्रों का उपयोग करें, सिर को कसे कपड़े या टोपी से ढकें, जूते चप्पल एवं नजर के काले चश्मे का प्रयोग करें, धूप में जाने से पहले भोजन एवं पर्याप्त पानी लें। एडवाइजरी में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को लू लगने के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तत्काल ठंडे स्थान पर रखें, पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में पिलाएं, यदि आराम नहीं लगे तो तुरंत निकट के शासकीय या निजी चिकित्सालय में उपचार करवाएं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीहोर जिले में लोकसभा चुनाव पर निगरानी रखने के लिए तैनात किए गए प्रेक्षकों के सीहोर आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा व्यय प्रेक्षकों को व्यय पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई। व्यय प्रेक्षक श्री धानिया ने सीहोर के स्थैतिक जांच दल की स्थापित चौकी ग्राम धोबीखेड़ी बर्री सोनकच्छ का निरीक्षण किया। इस मौके पर सहायक व्यय प्रेक्षक श्री सिन्हा, तहसीलदार श्यामपुर मोतीलाल अहिरवार, थाना प्रभारी श्री नरेंद्र कुलस्ते मौजूद थे। सिवनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को निर्वाचन कार्य से जुड़े विभागीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन कलेक्टर चैंबर में किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह द्वारा विभागवार सौंपे गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने शुक्रवार 19 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षण प्रभारी को दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदान दलों को अधिक से अधिक ईवीएम से हैंड ऑन किया जाए। मतदान दलों के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन आयोग दिशा निर्देशों एवं ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली का पूर्ण ज्ञान हो। पोस्टल बैलेट प्रभारी ईआरईएस को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण स्थल में ही मतदान दलों को डाक मतपत्र वितरण कर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रायसेन जिले में लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाता सहज रूप से मतदान कर सकें, इसके लिए जिले के मतदान केंद्रों, विभिन्न हाट बाजारों तथा सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम वीवीपैट का प्रदर्शन किया जा रहा है। ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन के दौरान मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है कि वोट डालने के लिए अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने वाला बटन दबाना होगा और बटन दबाने के बाद जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके नाम के सामने वाली लाइट जलेगी। इसके बाद वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी जिसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उन्होंने जिस प्रत्याशी का बटन दबाया है वोट उसी को मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।